कि लोग अब ठंड के लिए भी कह रहे हैं कि भैया बताइए कि कौन ठंड कम कर सकता है, आप दिखाइए, आप बताइए, लोगों में इतना रोष भी है राजनीति को लेकर। महेश के पास जाएंगे। महेश, जितना हम देख पा रहे हैं आज तस्वीर थोड़ी साफ है आपके पीछे, आज धुंध उतनी नहीं है, आप जरा दिखाएं दर्शकों को कि आज कोहरा हिसार में कम है। देखिए साथ ओर से तमाम दर्शकों को हम वो तस्वीर दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से विजिबिलिटी काफी अच्छी आज हिसार में देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान अब भी जो है 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी जबरदस्त ठंड इस वक्त भी हिसार में महसूस की जा रही है और अधिकतम तापमान भी आज काफी कम रहने वाला है क्योंकि बादलवाई जो है साथ ओर से नजर आ रही है और विजिबिलिटी अच्छी होने का सीधा फायदा जो है वो ट्रांसपोर्ट को लेकर देखने को मिलता है। यहाँ पर सड़कों पर दुर्घटनाएं जो है उसमें काफी कमी दर्ज होती है। जैसे ही कोहरे का मौसम या जो विजिबिलिटी घटती है सड़कों पर तो काफी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं सामने आती हैं। विजिबिलिटी के बेहतर होने से सीधा फायदा इसमें ट्रांसपोर्टेशन को लेकर देखने को मिलता है और लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। हालांकि हिसार के लोग अधिकतम और न्यूनतम तापमान को लेकर कंफर्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी रहती है क्योंकि हिसार के लोग अधिकतम और न्यूनतम तापमान हर साल झेलते हैं, तो ऐसे में -0.5 जब न्यूनतम तापमान था तब भी हिसार के लोगों का जोश और जुनून कम नहीं हुआ था और आज की भी अगर बात की जाए तो 3.5 डिग्री सेल्सियस पर भी नए साल के जोश और जुनून में कोई कमी नहीं आएगी। तमाम लोग जो है इस तरीके के मौसम को तरीके से एंजॉय करते नजर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि नया साल का स्वागत वो किस तरीके से करें, किस अंदाज में करें। बिल्कुल, और भगवान ने भी शायद मौका दे दिया है, मौसम ने भी मौका दिया है कि आखिरी दिन है, आप खूब एंजॉय कीजिए, नए साल का जश्न मनाइए। हिसार में किस तरीके से लोगों की तैयारियां हैं कि नए साल का जश्न हमें मनाना है, नए साल का स्वागत खुले हाथों से करना है और कोहरे ने भी देखिए राहत दे दी है। अब देखिए साफ तौर से पुलिस अपनी तैयारियां कर रही है कि किसी भी तरीके से नशे का इस्तेमाल ज्यादा ना हो, लेकिन उसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि हिसार में नशे को लेकर बहुत ज्यादा उस तरीके से नए साल पर इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इस पूरे इलाके में अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो नशे का जो प्रचलन है वो काफी बढ़ा है क्योंकि पंजाब के साथ लगते सिरसा जिला जो है वो पहले से काफी ज्यादा नशे से प्रभावित था, उसके बाद फतेहाबाद जिला भी नशे की चपेट में आया और हिसार में भी पहले के बनस्पत काफी ज्यादा जो नशा है वो बढ़ोतरी उसमें हुई है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सड़कों पर बहुत ज्यादा हुल्लड़बाजी या इस तरीके की इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दी जाएगी। नाइट पेट्रोलिंग की व्यवस्था यहाँ पर पुलिस के लोगों की तरफ से रखी गई है। इसके अलावा तमाम जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनके जरिए भी शहर पर नजर रखी जाएगी। सेंट्रल जो यूनिट है वहां पर मॉनिटरिंग इस बात की होती रहेगी कि नशे की हालत में तेज रफ्तार गाड़ियां कोई ना चलाए या किसी दूसरे के लिए किसी तरह की असुविधा कोई पैदा ना कर पाए, नशे की हालत में किसी तरह की दिक्कत किसी को पैदा ना की जा सके, तो तमाम वो एहतियाती कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। जहां तक मौसम की बात है तो मौसम एक तरीके का खुशगवार है, इतनी जबरदस्त सर्दी में भी लोग नए साल को अपने ही अंदाज में मनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और जिस तरीके से हम बता रहे थे कि अधिकतम और न्यूनतम चाहे किसी भी तरीके का तापमान हो हिसार के लोगों का अनुकूलन उस तापमान को लेकर हो जाता है क्योंकि हर साल इसी तरीके का जो मौसम है उन्हें देखने को मिलता है। कई बार पहाड़ों से भी ठंडा, कश्मीर से ठंडा हिसार हो जाता है, तो ऐसे में इस तरीके के मौसम को लेकर कम से कम हिसार के लोगों का, यहाँ के रहने वाले लोगों का अनुकूलन जल्दी हो जाता है प्राकृतिक रूप से। तो साफ तौर से आज अच्छा खासा मौसम है, विजिबिलिटी अच्छी है, तो एक तरीके से अच्छा खासा एंजॉयमेंट आज हिसार के लोगों में देखने को मिलेगा। चले हिसार से हमारे साथ में महेश जुड़े हुए हैं, गुलशन ग्रोवर हमारे सहयोगी गुरुग्राम से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गुलशन, गुरुग्राम में क्या तस्वीर है, तापमान क्या है, क्योंकि नए साल का जश्न गुरुग्राम में बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। देखिए बिल्कुल, आज 31 दिसंबर है जो कि नए साल की अंतिम तारीख है, पुराना साल अब चला जाएगा और इसको लेकर के गुड़गांव में काफी जो है तैयारियां की गई है। लेकिन आज ठंड की बात की जाए तो गुरुग्राम में इस समय 4 डिग्री तापमान है और कल जिस तरह से कोहरा देखा गया था, लेकिन आज कोहरा तो नहीं है लेकिन ठंडी हवाएं यहाँ पर जरूर चल रही हैं और लोग जो है अलाव का सहारा लेकर जो है अपने शरीर को गर्म कर रहे हैं। फिलहाल कोहरे से जरूर लोगों को राहत मिली है क्योंकि कल हमने देखा था कि रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही थी, लेकिन आज गाड़ियां भी अपने पराठे तरीके से जो है यहाँ पर नेशनल हाईवे 8 पर चल रही है,
फिलहाल ये कह सकते हैं कि ठंड जरूर है लेकिन कोहरे से लोगों को राहत मिली है। आपका तमाम जानकारी के लिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने आपको एयरपोर्ट की तस्वीर भी दिखाई, हमने आपको रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी दिखाई और हमने आपको सड़कों की तस्वीरें भी दिखाई कि आज दिल्ली एनसीआर में कोहरे से निजात मिली है। 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, लोग घरों से बाहर निकलेंगे सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए, जाते हुए साल को बाय बाय करना है और आते हुए साल को हेलो कहना है, गले लगाना है, इसीलिए लोग तैयारियां कर बैठे हैं और शायद मौसम ने भी मौका दे दिया है कि आप खुलकर नए साल का जश्न मनाइए।